यह एक ठोस आकृति है। इसके आधार को हम देखें तो इसका आधार एक त्रिभुज के आकार का है और इसका ऊपरी सिरा यह भी त्रिभुज के आकार का है और यह दोनों सर्वांगसम है, क्योंकि अगर हम ऊपर से देखें तो हमें एक ही त्रिभुज नजर आता है। यह दोनों त्रिभुज आपस में आयताकार पार्श्वीय पृष्ठों द्वारा जुड़े हुए हैं। यह एक आयताकार पार्श्वीय पृष्ठ है, यह भी आयताकार पार्श्वीय पृष्ठ है और आयताकार पार्श्वीय पृष्ठ। इस ठोस आकृति को अगर हम लें और इसका आधार देखें तो इसका आधार वर्ग के आकार का है और इसका यह ऊपरी सिरा, इसे हम देखें तो यह भी वर्ग के आकार का है और यह दोनों सिरे आपस में आयताकार पार्श्वीय पृष्ठों से जुड़े हुए हैं। इस ठोस में देख रहे हैं हम कि यह आयत वर्ग के समान है, तो यह आयत यहां पर वर्ग भी है। यह आयताकार पार्श्वीय पृष्ठ और एक यह पार्श्वीय पृष्ठ। इस ठोस आकृति को लें, इस ठोस आकृति के आधार को हम देखें तो इसका आधार आयत के आकार का है और इसका यह ऊपरी सिरा यह भी आयत के आकार का है और दोनों ही आधार और सिरे सर्वांगसम हैं और यह दोनों आपस में कैसे जुड़े हुए हैं, आयताकार पार्श्वीय पृष्ठों से। यह एक आयताकार पार्श्वीय पृष्ठ है, यह आयताकार पार्श्वीय पृष्ठ है और यह एक आयताकार पार्श्वीय पृष्ठ है। यहाँ पर एक बात और ध्यान देने लायक है कि अगर हम इस ठोस आकृति को ऐसे रख दें तो जो पहले सिरा था वो आधार है, तो हम दोनों को ही आधार या दोनों को ही सिरा भी कह देते हैं। अब इस ठोस आकृति को देखिए, इस ठोस आकृति का आधार कैसा है, जरा इसकी भुजाओं को गिने, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6 भुजाएं हैं, अर्थात यह एक षटभुज है और इसका ऊपरी सिरा यह भी षटभुज के आकार का है और दोनों षटभुज सर्वांगसम हैं आपस में और यह षटभुज आपस में कैसे जुड़ी हुई है, आयताकार पार्श्वीय पृष्ठों से। जैसे कि हमने पिछले ठोस आकृतियों में देखा कि यह दोनों बहुभुज षटभुज आपस में आयताकार पार्श्वीय पृष्ठों से जुड़े हुए हैं और सभी ठोस आकृतियों में आपने एक बात और ध्यान दी कि यह जो पार्श्वीय पृष्ठ हैं ये आधार और सिरों पर लंब है। क्या यह आवश्यक है, जरा देखें हम। यह एक ठोस आकृति है और यह दूसरी इसी तरह की ठोस आकृति है। इन दोनों ठोस आकृतियों में आप क्या अंतर पाते हैं, इसमें पार्श्वीय फलक आधार पर लंब नहीं है। आप देख रहे हैं कि ये कोई और कोण बना रहे हैं, 90 डिग्री का कोण नहीं बना रहे, किंतु इस प्रिज्म में पार्श्वीय फलक आधार पर लंब है, इसलिए यह लंब त्रिभुजीय प्रिज्म है किंतु यह लंब त्रिभुजीय प्रिज्म नहीं है। आइए अब इसको परिभाषित करें। लंब प्रिज्म समतलीय पृष्ठों से निर्मित ठोस होता है जिसके आधार समांतर सर्वांगसम बहुभुज होते हैं तथा पार्श्व पृष्ठ आयत होते हैं। अब इन लंब प्रिज्म के आधार जिस आकार के होते हैं उसी नाम से हम उन्हें पुकारते हैं। जिस तरह इस प्रिज्म का आधार त्रिभुज है तो इसे हम कहेंगे लंब त्रिभुजीय प्रिज्म। इस प्रिज्म का आधार आयत के आकार का है तो इसे हम कहेंगे लंब आयताकारीय प्रिज्म। इस प्रिज्म का आधार वर्ग के आकार का है तो इसे हम कहेंगे लंब वर्गाकार प्रिज्म। इस प्रिज्म का आधार षटभुज के आकार का है तो इस प्रिज्म को हम कहेंगे लंब षटभुजीय प्रिज्म।
अपने विद्यालय में दैनिक जीवन में आप प्रिज्म का प्रयोग तो करते ही हैं, ग्लास का बना हुआ प्रिज्म। तो ये प्रिज्म कैसे हैं? लंब त्रिभुजीय प्रिज्म। तो आज हम लंब त्रिभुजीय प्रिज्म के बारे में और अधिक जानकारी हासिल करें। प्रिज्म के एक आधार, एक सिरा, या हम कहें दो आधार या दो सिरे कैसे होते हैं? त्रिभुज के आकार के। इसके पार्श्व पृष्ठ, आयताकार पार्श्व पृष्ठ कितने हैं? एक, दो और तीन। तीन आयताकार पार्श्व पृष्ठ हैं और यह जो किनारे हैं इन्हें हम कहते हैं पार्श्विक कोर। तो ये कितने किनारे हैं? एक, दो और तीन। तो लंब त्रिभुजीय प्रिज्म के तीन पार्श्विक कोर हुई और यह जो इसके कोने हैं इनको हम कहते हैं शीर्ष। तो इसके शीर्ष कितने हैं? एक, दो, तीन, चार, पाँच, छ, अर्थात इसके छह शीर्ष हैं। इस लंब त्रिभुजीय प्रिज्म को अगर हम इसके पार्श्वीय फलक के आधार पर इस तरह से रख दें तो पार्श्वीय पृष्ठ इसका आधार बन जाएगा और जो प्रिज्म की ऊंचाई है वह होगी आधार की लंबाई। अक्सर हम ऐसी समस्याओं का सामना करते हैं कि हमें प्रिज्म के आकार का कोई ठोस दिया है, उसे हमें रंगना है या उस पर कवर चढ़ाना है तो कितनी लागत आएगी। जैसे यह एक हमारे पास प्रिज्म है, इस प्रिज्म को हम इसके पार्श्वीय पृष्ठों को रंगना चाहते हैं तो किस प्रकार इसका क्षेत्रफल हम ज्ञात करेंगे, आइए सीखते हैं। यह एक प्रिज्म है जिसका कि आधार समबाहु त्रिभुज है। इसके पृष्ठों का क्षेत्रफल ज्ञात करने के लिए इसे हम इस प्रकार खोल लेते हैं। अब यह एक आयत के आकार में आ गई और इस आयत में यह त्रिभुज की आधार की भुजा है, यह भी त्रिभुज की आधार की भुजा है और यह भी त्रिभुज के आधार की भुजा, यानी कि इस आयत की जो लंबाई है वह त्रिभुज के तीनों भुजाओं के योग के बराबर है, यानी कि आधार का परिमाप। और अगर आधार यहां पर हमने समबाहु त्रिभुज लिया है तो उसके आधार को अगर हम मान लें कि आधार की लंबाई a है तो यह a हुआ, यह भी a हुआ और यह भी a, तो इसकी लंबाई कितनी हो गई? 3a, यानी कि इस आयत की लंबाई हो गई 3a। और यह क्या है? प्रिज्म की ऊंचाई। अगर इसे हम मान लें कि यह है h, तो इस आयत का क्षेत्रफल क्या होगा? 3a गुणा h, यानी कि प्रिज्म का पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या हुआ? 3a गुणा h। तो हम कह सकते हैं कि लंब त्रिभुजीय प्रिज्म का पार्श्वीय क्षेत्रफल होता है आधार का परिमाप गुणा ऊंचाई। और आधार अगर समबाहु त्रिभुज के आकार का है तो हम कह सकते हैं कि वो होगा 3a गुणा h, जहां पर a क्या है? आधार की भुजा और h क्या है? प्रिज्म की ऊंचाई। अब यहां पर हमने क्षेत्रफल निकाला था पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफलों का और हमने विचार किया कि अगर हमें सिर्फ इतना ही उसका क्षेत्रफल को, इतनी ही सतह को अगर हमें रंगना है तो क्या करेंगे। लेकिन अगर हमें पूरे ही प्रिज्म को रंगना हो, आधार को भी रंगना हो और ऊपरी सिरे को भी रंगना हो तो क्या करना होगा? इस क्षेत्रफल में आधार का क्षेत्रफल जोड़ेंगे और ऊपरी सिरे का क्षेत्रफल जोड़ेंगे। अब ये आधार क्या है? यह आधार समबाहु त्रिभुज के आकार का है और यह ऊपरी सिरा भी समबाहु त्रिभुज के आकार का, जिसकी कि यह भुजा एक है। समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है? वर्गमूल 3/4 a की घात 2, जहां पर a क्या है? उसका आधार की भुजा। अब यह दूसरा त्रिभुज है, ये भी वर्गमूल 3/4 a की घात 2,
इसका क्षेत्रफल हुआ, और अगर हम इन दोनों त्रिभुजों को जोड़ दें तो क्षेत्रफल क्या होगा, वर्गमूल 3/2 a की घात 2। तो अब हम इसका संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल ज्ञात कर सकते हैं। संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल जो है वो क्या होगा, यदि लंब त्रिभुजीय प्रिज्म की ऊंचाई h और आधार की भुजा की लंबाई a हो तो उसका संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल होगा पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल जमा 2 × आधार का क्षेत्रफल, यानी कि 3ah जमा वर्गमूल 3/2 a की घात 2, जहां पर a क्या है, समबाहु त्रिभुज जो आधार है उसकी भुजा, और h क्या है, प्रिज्म की ऊंचाई। अभी हमने सूत्र जाने कि लंब त्रिभुजीय प्रिज्म का पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल और संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल कैसे ज्ञात करेंगे, तो आइए उन सूत्रों का प्रयोग करते हुए एक प्रश्न को हल करें। प्रश्न है, किसी लंब त्रिभुजीय प्रिज्म की ऊंचाई 15 सेंटीमीटर तथा आधार 8 सेंटीमीटर भुजा का समबाहु त्रिभुज है, उसका पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल और संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। किसी भी प्रश्न को हल करने से पहले हमें यह तथ्य जानने चाहिए कि उस प्रश्न में हमें क्या बताया गया है, क्या हमें निकालना है और किस विधि से उसे हम ज्ञात करेंगे। तो इसमें हमें पहले ज्ञात करना है पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल, और हमें बताया गया है त्रिभुज प्रिज्म की ऊंचाई 15 सेंटीमीटर और आधार 8 सेंटीमीटर। तो पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल का सूत्र तो आप जानते ही हैं, क्या होता है, 3ah। तो यहां पर हम इनका मान रखेंगे 3 × a यानी आधार की भुजा, आधार की भुजा कितनी है 8, और h यानी उसकी ऊंचाई कितनी दी है हमें 15, तो ये हो गया इतने वर्ग सेंटीमीटर। और जब इन्हें हम गुणा करते हैं तो गुणा करने पर पाते हैं कि ये है 360 वर्ग सेंटीमीटर। अब हमें ज्ञात करना है इसका संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल का सूत्र क्या है, संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल का सूत्र है 3ah जमा वर्गमूल 3/2 a की घात 2। अब 3ah का मान तो अभी हमने ऊपर ज्ञात किया ही है, कितना है 360, तो उसे हम ऐसे कैसा लिख लेंगे, और इसके बाद वर्गमूल 3/2 a का मान कितना है 8, तो यहां पर आएगा 8 की घात 2, और गुणा करने पर हमारे पास आएगा 360 जमा वर्गमूल 3 का मान हम रखेंगे 1.732, और गुणा करने पर आएगा 55.424, इतने वर्ग सेंटीमीटर। और इसको जोड़ने पर हमारे पास आएगा 415.424 वर्ग सेंटीमीटर। तो ये हमने ज्ञात किया लंब त्रिभुजीय प्रिज्म का पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल और संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। कई बार ऐसी समस्याएं भी हमारे सामने आती हैं कि हमें आधार की भुजा और ऊंचाई में से कोई एक बताया गया है और हमें दूसरा ज्ञात करना है, तो आइए इस प्रकार का एक प्रश्न हल करके देखें। एक लंब प्रिज्म का आधार 6 मीटर भुजा का समबाहु त्रिभुज है, उसका पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल 72 वर्ग मीटर है, प्रिज्म की ऊंचाई ज्ञात करो। अब इस प्रश्न में हमें 6 मीटर दी गई है भुजा की लंबाई, और हमें पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल दिया गया है 72 वर्ग मीटर, और हमें ज्ञात करना है प्रिज्म की ऊंचाई। तो आधार की भुजा है 6 मीटर और पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल हमें दिया गया है 72 वर्ग मीटर, और पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल का सूत्र होता है 3ah बराबर है 72 के। अब इसमें हमें मान दिया गया है a का, तो a का मान इसमें हम रखेंगे 3×6×h
H ये बराबर होगा 72 के, और यहाँ से H का मान आएगा 72 बटा 18 यानी कि 4 मीटर। तो इस लंब प्रिज्म की ऊंचाई हुई 4 मीटर। अगर हमें लंब त्रिभुजीय प्रिज्म निर्मित करना हो और यह ज्ञात करना हो कि उसमें कितना ठोस लगेगा, तो किस प्रकार ज्ञात करेंगे? जिस प्रकार हमारे पास यह प्रिज्म है और हमें यह ज्ञात करना हो कि इसको बनाने में कितना कांच लगेगा, तो क्या करना होगा हमें? इसके लिए हमें इस प्रिज्म का आयतन ज्ञात करना होगा। तो आइए सीखें कि आयतन हम किस प्रकार ज्ञात करेंगे। आयतन ज्ञात करने के लिए हमने एक बीकर लिया और बीकर में पानी लिया और उसके जल स्तर को हमने नोट किया कि इसमें 150 मिलीलीटर पानी है। अब प्रिज्म का आयतन निकालने के लिए हम इस प्रिज्म को इस पानी में डालते हैं और जितना जल स्तर ऊपर आएगा उतना ही क्या होगा इस प्रिज्म का आयतन। और ये हम पाते हैं कि जल का स्तर जो है वो 225 मिलीलीटर तक पहुंच गया, अर्थात इस प्रिज्म का आयतन है 75 घन सेंटीमीटर। किंतु आयतन ज्ञात करने का यह तरीका काफी असुविधाजनक है और इस विधि से अनियमित ठोस आकृतियों का हम आयतन ज्ञात करते हैं। तो क्या और तरीका है कोई? एक विशेष प्रकार के प्रिज्म का तो आयतन निकालना आप जानते ही हैं। यह घनाभ है और यह प्रिज्म भी है और इसका आयतन आप निकालना जानते हैं। इसका आयतन क्या होता है? आधार का क्षेत्रफल गुणा इसकी ऊंचाई। और इसी तरीके से हम अन्य प्रकार के प्रिज्मों का भी आयतन ज्ञात कर सकते हैं, यानी कि लंब त्रिभुजीय प्रिज्म का आयतन भी हम इसी विधि से ज्ञात करेंगे। तो लंब त्रिभुजीय प्रिज्म का आयतन होगा आधार का क्षेत्रफल गुणा ऊंचाई, और आधार समबाहु त्रिभुज है तो आधार का क्षेत्रफल होगा वर्गमूल 3/4 a की घात 2 और गुणा ऊंचाई। तो लंब त्रिभुजीय प्रिज्म का आयतन होता है वर्गमूल 3/4 a की घात 2 गुणा h, जहां पर a उसके आधार की भुजा और h है प्रिज्म की ऊंचाई। अब हम एक लंब त्रिभुजीय प्रिज्म का आयतन ज्ञात करेंगे। तो आइए एक प्रश्न करें। उस लंब त्रिभुजीय प्रिज्म का आयतन ज्ञात कीजिए जिसकी ऊंचाई 10 सेंटीमीटर तथा आधार 6 सेंटीमीटर भुजा का समबाहु त्रिभुज है। अब इस प्रश्न में हमें प्रिज्म का आयतन ज्ञात करना है और हमें क्या बताया गया है? उसकी ऊंचाई 10 सेंटीमीटर और आधार है 6 सेंटीमीटर समबाहु त्रिभुज का। तो प्रिज्म का आयतन क्या होता है? अगर आधार समबाहु त्रिभुज हो तो वह होता है वर्गमूल 3/4 a की घात 2 गुणा h। अब यहां पर a का मान क्या है? a क्या है? आधार की भुजा, और a का मान है 6 सेंटीमीटर यानी 6 की घात 2 गुणा उसकी ऊंचाई कितनी है? 10 सेंटीमीटर। तो इतने, अब आयतन हमेशा घन सेंटीमीटर में होता है तो ये होगा इतना घन सेंटीमीटर। और जब इसको हम हल करेंगे तो हल करने पर यह आएगा 90 गुणा वर्गमूल 3 घन सेंटीमीटर। वर्गमूल 3 का आप मान रखेंगे 1.732, तो हल करने पर यह होगा 155.88 घन सेंटीमीटर। तो यह हुआ इस प्रिज्म का आयतन। अब कई बार ऐसा भी होता है कि हमें लंब त्रिभुजीय प्रिज्म का आयतन दिया हो और कुछ और जानकारी दी हो और हमें उसकी ऊंचाई ज्ञात करनी हो या आधार की भुजा। तो आइए इस प्रकार का एक प्रश्न हम हल करते हैं। एक लंब प्रिज्म का आधार समबाहु त्रिभुज है, उसका पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल 30 वर्ग मीटर है और आयतन 40
वर्गमूल 3 घन मीटर है। इस प्रिज्म के आधार की भुजा की लंबाई और प्रिज्म की ऊंचाई ज्ञात करो। अब इस प्रश्न में हमें क्या क्या बातें बताई गई हैं? हमें प्रिज्म का पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल 30 वर्ग मीटर दिया गया है और आयतन बताया गया है कि आयतन है 40 वर्गमूल 3 घन मीटर। और हमें ज्ञात क्या करना है? हमें ज्ञात करना है आधार की भुजा और प्रिज्म की ऊंचाई। तो हमें इसमें दिया है पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल। पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल का सूत्र क्या है? 3AH। अब 3AH इसका मान हमें कितना दिया है? इसका मान दिया है 30 वर्ग मीटर। तो यहां से H का मान क्या होगा? 10 बटा A। अब इसके बाद हम देखते हैं इसके आयतन के बारे में। हमें बताया गया है कि आयतन है 40 वर्गमूल 3 घन मीटर। आयतन का सूत्र क्या होता है? आयतन का सूत्र होता है वर्गमूल 3 बटा 4 a की घात 2 h। और ये किसके बराबर दिया है? ये है 40 वर्गमूल 3 के बराबर। अब यहां पर h के स्थान पर हम 10 बटा a लिख सकते हैं, क्योंकि ऊपर हमने ज्ञात किया कि h है 10 बटा a के। तो यह हो जाएगा वर्गमूल 3 बटा 4 a की घात 2 गुणा h की जगह हम लिखेंगे 10 बटा a, और ये बराबर है 40 वर्गमूल 3 के बराबर। और इसको हल करने पर आता है a बराबर 4 गुणा 4 अर्थात 16 मीटर। अब यह तो हमने ज्ञात किया a यानी आधार की भुजा। अभी हमें इसमें और क्या ज्ञात करना है? इसमें हमें ज्ञात करना है ऊंचाई। और ऊंचाई के लिए हमने पढ़ा है कि ऊंचाई h किसके बराबर है? 10 बटा a के बराबर। तो h का मान होगा 10 बटा 16 अर्थात 5 बटा 8 मीटर। तो इस प्रिज्म की आधार की भुजा हुई 16 मीटर और इसकी ऊंचाई h है 5 बटा 8 मीटर। तो आज हमने जाना एक विशेष प्रकार की ठोस आकृति के बारे में। वो आकृति क्या है? लंब प्रिज्म। लंब प्रिज्म क्या होते हैं? लंब प्रिज्म समतलीय पृष्ठों से निर्मित ठोस होता है जिसके आधार समांतर सर्वांग सम बहुभुज होते हैं तथा पार्श्व पृष्ठ आयत होते हैं। और हमने सीखा लंब त्रिभुजीय प्रिज्म का पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करना और आयतन ज्ञात करना। अगर लंब त्रिभुजीय प्रिज्म का आधार समबाहु त्रिभुज हो और उसका आधार a हो और ऊंचाई हो h, तो उसका संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है? 3ah जमा वर्गमूल 3 बटा 2 a की घात 2। और आयतन क्या होता है? आयतन होता है वर्गमूल 3 बटा 4 a की घात 2 गुणा h। और हमने पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन से संबंधित प्रश्न भी हल किए। तो अब आप इस प्रकार के प्रश्न स्वयं हल करिए।